अभी नहीं, पहले अभी मारो। ट्रांसफर हो जाएगा इधर। दोबारा करें। आज मिस्टर रामन के लिए ये बड़ा एक हिस्टोरिकल डे है कि आज जो है जो डायलिसिस यूनिट जो है रामबन में उसको इनॉग्रेट किया गया। ये यूनिट जो है अंडर प्रधानमंत्री डायलिसिस नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो है इसमें फंडिंग की गई और आज इसको इनॉग्रेट करना था MDNHM डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज NDC साहब ने, लेकिन काफ़ी मसरूफियात की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। लेकिन हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अतुल डुल्लू साहब, उनने ये हदायत दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को कि हमें सब पेशेंट्स की सर्विसेज का ज़्यादा पर ध्यान रखना है। इसलिए आप ऐसा करिए कि बाकी इकाती जो है काफ़ी इस वक्त मसरूफ हैं अपने कामों में, तो इसलिए आप ऐसा करिए कि जो पेशेंट वहाँ पर डायलिसिस के लिए है उसी से आप इसको इनॉग्रेट करिए। तो इसलिए आज हमने इसको इनॉग्रेट किया है, तो ये बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए कि इस वक्त ऐसे लोगों के लिए जो डायलिसिस की फैसिलिटी एट डोर स्टेप पर अवेलेबल। ऐसा है कि पहले हमें 10 लाख रुपया इसके लिए मिला, जिसमें हमने इसको जो माइनर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो कराया गया, जिसमें हमने RNB को इसका कंट्रैक्ट दिया गया था वो 10 लाख का था। उसके बाद 15,45,000 जो है वो तो पैसा आया इसमें, जिसमें RO वगैरह इसमें प्रोसेस किए गए जेल के तहत। उसके अलावा इसमें 5 मशीनें जो है डायलिसिस मशीनें जो हैं वो MDJK MSL से प्रोवाइड हुई, तो हमने 5 ही 5 यहाँ पर इंस्टॉल की हैं। और जिसमें एक जो है मशीन हमने उन लोगों के लिए रखी गई है जो कोई अगर कोई एड का पेशेंट है या हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है उसके लिए हमने स्टैंड बाय रखी है। उसके अलावा हमने ऐसा किया है कि स्टाफ नर्सिस 4 स्टाफ नर्सिस को हमने रिक्रूट किया गया अंडर NHM और उनको हमने जम्मू गांधीनगर हॉस्पिटल से और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग भी दिलाई और वो पहुँच चुकी है। उसके अलावा एक मेडिकल अफसर वो भी ट्रेन हो गया आया, उसको हमने जम्मू ट्रेनिंग के लिए भेजा था तो वो भी यहाँ पहुँच चुका है। इस वक्त हमारा डायलिसिस यूनिट जो है फुली फंक्शनल है और हमारे पास स्टाफ भी अवेलेबल है।